Hi guys, everyone, and welcome to an Academy Topper channel. This is your favorite G Square. कैसे हैं सारे मेरे प्यारे बच्चे? हाँ, मैं लेट हो गई. इतना ज्यादा स्पैम मत करो, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी. लास्ट मिनट हैसल हो गया था यार. ऐसे भी मत करो यार, इतना इतना भी स्पैम मत करो यार. मैं टाइम पे आते जाओ आती हूँ. आज थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ एक छोटा सा प्रॉब्लम हो गया था. चलो भाई, वेलकम टू एकेडमी टॉपर चैनल. की हाल चाल? अगले एक घंटे आप मेरे साथ हैं और हम दो चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं फट 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 स्पीड से, ठीक है? तो चलिए बच्चों, हाउ इज जोश एवरीवन इन द चैट बॉक्स. यस, तो यहाँ पे आप सबसे पहले हम देखें तो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज है जो एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे हो रही है. हर संडे को होती है, 2 से 5 बजे के बीच में होती है और फ्री ऑफ कॉस्ट होती है. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं. अब आते हैं नेक्स्ट पे. हमारे यहाँ पे 2024 और 25 के बैच शुरू हो गए हैं. 24 वाला जो बैच हमारा 13 मई से शुरू होने वाला है और जो 25 वाला बैच है वो 5 अप्रैल यानी परसों से शुरू हो रहा है. तो अगर आपके जूनियर्स हैं, जो आपके छोटे भाई बंधु हैं, जो बहुत ही कम दामों में हमसे पढ़ना चाहते हैं, सिर्फ मात्र 20,000 रुपये में साल भर की, 2 साल की सब्सक्रिप्शन की बात कर रही हूँ, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग द कोड जी स्क्वायर, ठीक है? तो उसको एडिशनल 10% ऑफ मिल जाएगा. पहले मैं अपना फोन बंद कर दूँ, दुनिया भर के फोन आते रहते हैं बस इस पे और कोई भी काम का नहीं होता. ठीक है, तो ये है बच्चों. अब आते हैं नेक्स्ट. नेक्स्ट हम शुरू करेंगे अपनी पढ़ाई. तो कैसा है जोश? नोट्स कल आपको मिले या नहीं मिले? आई थिंक नोट्स आपको मिल गए होंगे. ये वो नोट्स है जो हमारे बच्चों ने हमारे प्लस क्लासेस में बनाए हैं पूरे साल मेहनत करके, और लास्ट में हम आपके साथ इनको रिवाइज करते हैं जिससे कि फट 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 सी आपको रिविजन हो जाए. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट. लोन वाले को कॉल करते ना. हाँ, मैं अगले साल यही तो नौकरी करूंगी. हेलो हेलो, हाय सलोनी सिंह, क्या आपको लोन की रिक्वायरमेंट है? यस, हम लोन देते हैं कम ब्याज दरों पे. अगले साल मेरी नौकरी यही होने वाली है, क्योंकि इस साल मेरी ट्रेनिंग हो रही है, अगले साल मैं नौकरी भी यही करने वाली हूँ लग रहा है. आवाज तो यार बहुत तेज की है यार मैंने, सिस्टम फट जाएगा, माइक चेंज कराना पड़ेगा लग रहा है. यस, वो अभी 1-2 मिनट आएगी, उसके बाद ठीक हो जाएगी. मेरे बच्चों, अरे मेरे बच्चों, अरे मेरे काना, ओ मेरे काना काना काना, देखो आ रही है ना आवाज? चलो अच्छा अच्छा, आप देखते हैं कि आवाज आ रही है नहीं आ रही ढंग से. आए प्राची गधेड़ी, तेरी मम्मी को कॉल कर दूंगी, कहाँ घूम रही है तू आजकल? हाँ देखो, आए ऋषभ नालायक बदतमीज, पढ़ता नहीं है तू? हाँ ठीक है. अब देखो, अब रिएक्शन अगर आ गया तो मतलब आवाज प्रॉपर आ रही है. देखो आ गए ना, देखो कितना नाटक करते हो जिंदगी में. चलो अब इसके साथ पढ़ाई शुरू करते हैं. अभी टाइम क्या हुआ है? 5:11 हुए हैं, 6:11 या मैक्सिमम 6:30 तक हमें पूरा वाइंड अप करना आज का सेशन. तो मुझे जोश चाहिए चैट बॉक्स में, चैट्स रुकनी नहीं चाहिए और धड़ाधड़ स्पीड से चलनी चाहिए, बिकॉज दिस इज अंतिम सीरीज ऑफ दिस ईयर. आखिरी सीरीज है इस साल की, बस इसके बाद फिर अपन वाइंड अप कर देंगे, क्योंकि तुम लोग चले जाओगे मेडिकल कॉलेज, है ना भाई? कौन कौन मेडिकल कॉलेज जाना चाहता है दिल बना दो चैट बॉक्स में. इतने में शुरू करती हूँ. बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ये एक ऐसा चैप्टर है जो दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक ब्लड वाला हिस्सा है और एक हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में बटा हुआ है, ठीक है? तो सबसे पहले आकर हम देखते हैं कि ब्लड, अगर ब्लड की अगर हम बात करें तो ब्लड एक तरह का स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है. क्या है बच्चों? ये एक तरह का स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है? हमारा ब्लड स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पे लिख लेते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू. ये एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर किसी भी तरह के फाइबर्स नहीं होते हैं. तो ये क्या होता है? हमारे फाइबर लेस होता है. क्या होता है बच्चों? ये हमारा फाइबर लेस होता है, ठीक है बच्चों? इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट चीज देखें तो यह जहां पे बनता है उसे रेड बोन मैरो कहते हैं, और जिस प्रोसेस से ब्लड बनता है उसे हम हीमोपोइसिस कहते हैं. क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? उस प्रोसेस को हम कहते हैं हीमोपोइसिस, ठीक है? वहीं पर अगर इसके दो कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो ब्लड दो चीजों से बना होता है. एक ये बना होता है प्लाज्मा से, और दूसरा ये बना होता है किससे? ब्लड कॉर्पुसल से. किससे बना होता है? ब्लड कॉर्पुसल. तो अगर प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा एक ऐसा फ्लूइड है, ठीक है, जो कि 55% ऑफ ब्लड होता है. कितना परसेंट होता है? 55% ये ब्लड का होता है. इसके अंदर मोस्टली वाटर प्रेजेंट होता है. मोस्टली इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, मोस्टली इसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है, ठीक है? अब अगर इसके
कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, प्लाज्मा की, चलिए आइए यहाँ पे लिख लेते हैं, बच्चे फटाफट से हमारे साथ रिवाइज भी कर लेंगे। तो 90 to 90% क्या होता है? 90 to 92% इसमें वाटर होता है। क्या होता है? पानी। अब आते हैं इसके प्रोटीन, जहां से नीट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन भी होता है जो कि डिजोल्व होते हैं। सिंस ये सारे के सारे प्रोटीन पानी में डिजोल्व है, तो ये वाटर सॉल्युबल है या कैसे है, जल्दी बताइए चैट बॉक्स में। तो अब अगर इसके प्रोटीन की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे एक ऐसा प्रोटीन है जो कि ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्मोटिक बैलेंस। तो ऑस्मोटिक बैलेंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो होता है जो कि अंडे के सफेद हिस्से में मिलता है, एल्ब्यूमिन। क्या होता है बच्चों? दैट इज आर एल्ब्यूमिन। फिर दूसरा होता है जो रक्त थक्का के लिए होता है, यानी ब्लड कोएगुलेशन के लिए होता है। अगर खून बहता है ना तो उसे रोकता है, उसे हम क्या कहते हैं? फिब्रिनोजन। क्या कहते हैं उसे? फिब्रिनोजन। फिर तीसरे जो होते हैं वो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिंस। ठीक है, क्या होते हैं हमारे? ग्लोबुलिंस, जो कि बॉडी के डिफेंस के लिए बेहद जरूरी होते हैं। इसके अलावा अगर प्लाज्मा की बात करें तो इसके अंदर गैसेज होती है। जो गैसेज इसमें डिजॉल्व होते हैं वो दो तरह की मेन गैसेज होती है, एक होती है CO2 और एक होती है ऑक्सीजन। ठीक है, वहीं पे इसके अलावा इसमें वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं जो कि किडनी में जाके फिल्टर होते हैं। और वो वेस्ट प्रोडक्ट कौन से होते हैं? यूरिया। कौन से होते हैं बच्चों? वो होते हैं हमारे, यूरिया होता है। इसके अलावा हमारा यूरिक एसिड होता है, इसके अलावा हमारा अमोनिया हो सकता है। ये सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा यूजफुल प्रोडक्ट्स भी होते हैं। यूजफुल की अगर हम बात करें तो यूजफुल प्रोडक्ट्स में यहाँ पे क्या कौन कौन होगा? यस, एनीबडी यू कैन टेल मी यूजफुल प्रोडक्ट्स में कौन कौन होगा? यूजफुल प्रोडक्ट्स में लाइक यहाँ पे होगा ग्लूकोज, ग्लूकोज प्रेजेंट हो सकता है, अमीनो एसिड प्रेजेंट हो सकता है, लैक्टिक एसिड हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें भी प्रेजेंट होती है। सो दिस फ्लूइड पार्ट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। और ये जो प्लाज्मा है कहाँ पे बनता है, जल्दी से बताएंगे सब मुझे चैट बॉक्स में, जल्दी बताइए। यस, मुझे लगता है कोई भी टीचर इतनी जल्दी नहीं बोलता होगा जितनी जल्दी मैं बोलती हूँ इस सीरीज में। प्लाज्मा की अगर बात करें तो ये कहाँ बनता है? लिवर के अंदर बनता है। जो ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, वो हमारे रेड बोन मैरो में बनते हैं, यानी कि अपनी हड्डी में। ठीक है, तो ये लिवर में बनता है। अब यहाँ पे एक बड़ी जबरदस्त बात आती है जिसका नाम है सीरम। सीरम वो होता है जब हमें चोट लग जाती है ना, मतलब खुरंट बन जाता है, खुरंट जिसे हम खुरच देते हैं, तो उस खुरंट से ना एक अलग सा फ्लूइड बाहर आता है। ठीक है, उस फ्लूइड को हम क्या कहते हैं? सीरम। तो सीरम क्या होता है? प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। क्या होता है ये? प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, इसको हम कहते हैं क्या? वी कॉल इट एज सीरम। क्या कहते हैं इसको? इसको हम कहते हैं सीरम। तो सीरम क्या है? प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, ये चोट से बाहर निकल रहा है। ठीक है, इसको हम सीरम बोलेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट। अब जो दूसरा हिस्सा है जो कि हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है वो होता है ब्लड कॉर्पसल्स। और वो कितने परसेंटेज होते हैं, जल्दी से बताएंगे सब मुझे चैट बॉक्स में। तो वो होते हैं हमारे 45%। कितने होते हैं बच्चों? 45% आर ब्लड कॉर्पसल्स। और ब्लड कॉर्पसल्स की बात करें तो तीन तरह के आर सबसे ज्यादा कॉर्पसल्स होते हैं। पहला आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल। ठीक है, दूसरा होता है व्हाइट ब्लड सेल। तीसरा होता है हमारा प्लेटलेट, जिसे हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आरबीसी की बात करेंगे। आरबीसी यानी कि एरिथ्रोसाइट। ठीक है, अब इसकी शेप की अगर बात करें तो मैमल्स में इसकी शेप कैसी होती है, जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में। हाँ, इस वीडियो को भी तो 2x पे देखता है, तो तू 1 पेज रिविजन कितनी देर में करता है? 2 मिनट में। अगर आप ये वीडियो भी 2x पे देख रहे हो ना, ट्रस्ट मी, तब तो मैं ऐसे ही सुनाई देगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत तेज बोल रही हूँ। तो अगर हम मैमल्स की बात करें, मैमल्स के अंदर जो हमारा आरबीसी का जो शेप है वो बाय कॉनकेव होता है, ना कि बाय कॉन्वेक्स मेरे गधेड़ो। ठीक है, ये सर्कुलर इन शेप होता है, सर्कुलर होता है, बट ये सर्कुलर हमारे लामा और कैमल में नहीं होता, वहां पे ओवल शेप का होता है। ठीक है, वहीं पे आप अगर इसकी आयु की बात करें तो इसकी आयु कितनी है? 100 to 120 days। ये 100 to 120 days जिएगा, अपना कार्य को सिद्ध करेगा, उसके बाद सीधा आत्मदहन कर देगा। कहां पे? स्प्लीन में जाके, जिसे हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। क्या कहते हैं उसे? वी कॉल इट एज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो यानी कि ये चीज निश्चित है कि अगर हम धरती पे आए हैं तो कुछ काम करके जाएंगे और फिर सीधा स्वाहा। ठीक है, तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए, इसलिए अच्छे कर्म किया करो ना लायको। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट। आखिर आरबीसी में क्या खास है,
ये लाल क्यों है? इसमें लालिमा इसलिए है क्योंकि इसके पास हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? एक हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जिसके अंदर आयरन है और ग्लोबिन है। ग्लोबिन हमारा क्या है? प्रोटीन पार्ट है, ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड आरबीसी। नाउ इसके अंदर ना ही ईआर होता है, ना ही गोल्जी होता है, ना ही इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर कुछ चीज नहीं होती, ये अंदर से खोखला होता है क्योंकि इसके दिल में सिर्फ प्यार होता है, ठीक है बच्चों। इसके दिल में सिर्फ जगह ही जगह है प्रेम के लिए, ठीक है। तो वो प्रेम क्या है? वो प्रेम लाल रंग का होता है, जैसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, इसलिए अंदर से खोखला होता है, ठीक है। बट अगर आरबीसी का अमाउंट कम बनना शुरू होता है हमारे शरीर में, तो ये लालिमा चली जाती है। उसको हम कह रहे हैं, उस सिचुएशन को, उस कंडीशन को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइटोपेनिया। इस केस में आप चुकंदर खा सकते हैं, इस केस में आप अनार खा सकते हैं, ठीक है। इस केस में आप ट्रॉपिक आने वाला जूस नहीं पी सकते क्योंकि उसके अंदर कुछ नहीं होता, ठीक है। नोबडी वाज हर्ट इन दिस वीडियो। नाउ नेक्स्ट, पॉलीसाइथेमिया। नाउ पॉली मीन्स मेनी। जब बहुत ज्यादा आरबीसी प्रोडक्शन हो जाता है आपकी बॉडी के अंदर, तो आपका पूरा शरीर ऐसे लाल लाल है ना, ऐसे ग्लो दिखने लगता है, तो दैट इज पॉलीसाइथेमिया। तो ये हमारा आरबीसी। अगर आरबीसी के हीमोग्लोबिन की बात करें, तो हीमोग्लोबिन जो है, एक नॉर्मल एडल्ट की अगर हम बात करें, तो 12 से 16 ग्राम HB होता है पर 100 ml ऑफ ब्लड में। तो अगर इसके बीच में अगर आपका हीमोग्लोबिन कंटेंट है, तो आप शारीरिक तौर से काफी तंदुरुस्त माने जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब आते हैं नेक्स्ट, WBC यानी कि ल्यूकोसाइट। WBC को व्हाइट ब्लड सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई पिगमेंट नहीं होता है, ठीक है। इसका इसका रंग सफेद है, ना कि लाल, ठीक है। अब इसके शेप की बात करें, तो इसकी शेप जो होती है एमीबॉइड शेप होती है। एमीबॉइड शेप मींस अमीबा की तरह होता है, कोई फिक्स शेप नहीं है इसकी, ठीक है। अगर इसके नंबर की बात करें, तो ये 6000 से 8000 सेल्स पर mm³ ऑफ ब्लड होते हैं, ठीक है। बस इतने ही सेल्स ही होते हैं। ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनके पास न्यूक्लियस है अच्छा खासा, और इनके पास किसी भी तरह का हीमोग्लोबिन नहीं है। तो आप कहेंगे फिर इनका काम क्या है मैम शरीर में? इनका काम है डिफेंस। ये अलग अलग तरीके के हथियार बनाते हैं, कभी ये मिसाइल लॉन्च करते हैं, तो कभी तलवार से लड़ते हैं, तो कभी किसी और चीज से लड़ते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास 5 तरीके के सेल्स हैं इन WBC। ये 2 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक है हमारा ग्रैनुलोसाइट, नाम से पता लग रहा होगा, ग्रैन्यूल्स, खुरदुरा, खुरदुरा, ठीक है। ये खुरदुरा होता है मेरे बच्चों, ठीक है, खुरदुरा, ठीक है। अब ये खुरदुरा क्यों है? क्योंकि इसके ग्रैन्यूल्स अच्छे से स्टेन हो जाते हैं, अपन वो दिखते हैं, ठीक है। जैसे चांद के ऊपर दाग होता है ना, ऐसे इसके ऊपर छोटे छोटे निशान होते हैं, ठीक है। तो इसको टेक्निक क्या है? बेन 10। बेन 10 एक सीरियल और एक कार्टून हुआ करता था बचपन में। तो ये हो गया बेन, ये बेन नहीं है गुजराती बेन, इट्स बेन 10, ठीक है। 10 का मतलब बड़े बड़े ग्रैन्यूल साइज है, इसलिए ग्रैन्यूलोसाइट में आएगा, ठीक है। अब आता है सबसे पहले न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल वो है जो कि कहता है कि एसिडिक आएगा तो मैं उससे भी स्टेन हो जाऊंगा, बेसिक आएगा तो मैं उससे भी स्टेन हो जाऊंगा, यानी कि मेरी कोई पर्सनल चॉइस नहीं है, ठीक है। तो अगर इसे हम देखें कि व्हाई दीज सेल्स आर कॉल्ड न्यूट्रोफिल्स, मान लो असर्शन रीजन आ गया, क्यों इन्हें न्यूट्रोफिल्स बोल रहे हो? बिकॉज दीज आर द सेल्स विच गेट स्टेन विद बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाई। दोनों तरह की डाई के साथ मैं इसे स्टेन कर सकती हूँ, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर इसके न्यूक्लियस पर अगर आप गौर फरमाएंगे मेरे बच्चों, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके न्यूक्लियस में मल्टी लोब्ड है। इट्स अ मल्टीलोब न्यूक्लियस। जब इसका मल्टीलोब न्यूक्लियस है, तो इसलिए इसका एक दूसरा नाम भी है, जिसे हम कहते हैं PMNLs। क्या कहते हैं बच्चों उसको? वी कॉल इट एज PMNLs। PMNLs क्या होता है? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। मैम के साथ बोलो 2 बार, अभी याद हो जाएगा, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका मल्टीलोब न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब आते हैं इसके नंबर की। 65% ऑफ टोटल WBC, यानी 6000 में से 3600 न्यूट्रोफिल्स ही होते हैं। दे आर द मैक्सिमम WBC इज प्रेजेंट इन आवर ब्लड। अब ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस फॉर्म करते हैं, और इनका काम क्या होता है? जा और जाके उसको निकल जाओ ऐसे, ठीक है। यस, उस निकल जाने को हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। एंड ये जो सेल्स है, ये डाइपिडेसिस एक मूवमेंट शो करते हैं। डाइपिडेसिस क्या होता है? जब पतली पतली गलियों से, पतली पतली ब्लड कैपिलरी से सेल बाहर निकलता है, किसके पास? टिश्यू के पास, अपनी बसंती को बचाने के लिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, इओसिनोफिल। जब तक नीट का एग्जाम नहीं हो जाता, एलर्जी की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होगी, आपने हमेशा ये याद रखनी है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंस है, इओसिनोफिल, एलर्जी। यानी कि अगर इओसिनोफिल शरीर में बढ़ रहा है, तो यानी कि आपको एलर्जिक या पैरासिटिक इन्फेक्शन हुआ है, ये चीज आपने याद रखनी है, ठीक है। इस इओसिनोफिल के पास हेडफोन्स होते हैं, ठीक है, यानी कि इसके पास बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है।
इसे इओसिनोफिल क्यों कहते हैं? बिकॉज इओसिनो मीन्स एसिडिक, फिल माने लवर, ये एसिडिक लवर है, यानी कि ये जो स्टेन होते हैं ये एसिडिक डाई से स्टेन होना पसंद करते हैं, ना कि बेसिक डाई से स्टेन होना ये पसंद करते हैं। अगर इसके नंबर की बात करें, जो कि नीट का पीवाईक्यू मैचिंग क्वेश्चन रह चुका है, तो ये 2 से 3% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी होते हैं, यानी कि बेहद कम इन नंबर होते हैं। बट मान लीजिए आपको कोई एलर्जिक रिएक्शन हो गया है या कोई पैरासाइट आपके पेट में आकर रहने लग गया है, तो उस केस में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बेजोफिल। बेजो मीन्स बेसिक, बेजो मीन्स ठंडा और जोश, जोश ठंडा, जोश ठंडा, जोश ठंडा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, जोश हाई, जोश हाई, जोश हाई, चलो चलो चलो, पंप योरसेल्फ, मैं बंद कर दूंगी आज एक चैप्टर करा के, चलो 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 चलो। बेजो मीन्स बेसिक, बेजो मीन्स बेसिक, फिल माने लवर। ठीक है, आज ही याद करना है इन दोनों चैप्टर को, चलो चलो चलो, ये सब नहीं चलेगा क्लास में, फटाफट मॉन्स्टर पी लो अपना फटाफट से। तो अब अगर हम बेसिक लवर की बात करें, तो ये वो सेल्स है जो कौन सी डाई से स्टेन होंगे, बेसिक डाई से ये स्टेन होते हैं। ठीक है, इनका नंबर सबसे कम होता है, यानी कि ऑलमोस्ट 1% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी। इनका ट्राई लोब्ड न्यूक्लियस है। ठीक है, और इसकी सबसे खासियत, सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो मास सेल्स की भी होती है, कि ये हिस्टामिन सिक्रीट करते हैं। हिस्टामिन वो होते हैं जो चीज मचाते हैं, उही मां, ठीक है, चीज मचाने वाले, उही मां। ठीक है, इनके पास होता है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन क्या होता है, व्हाट इज सेरोटोनिन? सेरोटोनिन है वो जो हमारा वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर की तरह काम करेगा। हिपैरिन क्या है, जो एंटी कोआगुलेंट की तरह काम करेगा, जो रक्त थक्का को होने नहीं देगा। ठीक है, फिर आते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स। ए ग्रैनुलोसाइट्स, ए मतलब एब्सेंट, इनके पास ग्रैन्यूल्स होते तो है, बट इतने छोटे साइज के होते हैं ना, हमें लगता है कि है ही नहीं। जैसे बनिए के पास पैसा, वो दिखाता ही नहीं है, हमें लगता है उसके पास पैसा नहीं है, बट जैसे उसकी बेटी की शादी आती है, घर भी बन जाता है, गाड़ी भी आ जाती है, और सज्जा कपड़े भी अच्छे आ जाते हैं। ठीक है, सो इट्स जस्ट लाइक अनदर बनिया। चलो, अब यहां पे अगर हम देखें तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट दो तरह के सेल्स हैं। मोनोसाइट की अगर बात करें, मोनो मीन सिंगल होता है। ठीक है, इसके पास एक बीन शेप या किडनी शेप न्यूक्लियस है, 6 to 8% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी है। इसका काम फैगोसाइटोसिस होता है, निकलने का काम होता है, सेम लाइक न्यूट्रोफिल। ठीक है, ये भी एक मूवमेंट शो करता है, पतली पतली गली से निकल जाने को क्या कहते हैं, डायपिडेसिस। क्या कहते हैं बच्चों, डायपिडेसिस। ठीक है, डायपिडेसिस। अब आते हैं लिम्फोसाइट। हमारे पास दो तरह के लिम्फोसाइट है, एक हमारे पास बी सेल है और एक टी सेल है। दोनों के पास लार्ज राउंड सेंट्रल न्यूक्लियस है। ठीक है, अब खासियत क्या है, दोनों सेल्स बनते बोन मैरो में है, दोनों सेल्स बनते बोन मैरो में है, बट सिर्फ बी सेल है जो मेच्योर यहाँ पे होता है, क्योंकि टी सेल के पास तो अपना थाइमस है ना मेच्योरेशन के लिए। सो व्हाई टी सेल इज कॉल्ड टी सेल, बिकॉज इट्स मेच्योरेशन टेक्स प्लेस इन द थाइमस, और थाइमस कहाँ होता है, दिल के ऊपर, है ना, कहाँ होता है, दिल के ऊपर, दिल के अरमांसो में बह गए। ठीक है, कभी तुमने मेरी सिंगिंग की तारीफ नहीं किया बदतमीजो, सेशन को तो लाइक करोगे नहीं तुम लोग, वो तुम्हें पता ही है। चलो आ जाओ, कोई नहीं। थ्रोम्बोसाइट एंड प्लेटलेट्स, ये दोनों एक ही के नाम है, थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स। होता क्या है, बोन मैरो में ना एक बड़ा सेल होता है, बड़का भैया, वो बड़का भैया का नाम क्या होता है, मेगा कैरियोसाइट। क्या नाम होता है उस बड़के भैया का, जल्दी बताओ सब चैट बॉक्स में, उस बड़के भैया का नाम होता है मेगा कैरियोसाइट। वो बड़का भैया क्या होता है, टूट जाऊंगा, जैसे वो टूटता है छोटे 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 फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं, उन छोटे 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 फ्रैगमेंट्स को हम प्लेटलेट्स बोलते हैं। तो प्लेटलेट्स खुद में एक सेल नहीं है, बल्कि ये एक हिस्सा है उस सेल का जिसने कुर्बानी दी है, कहां पे, बोन मैरो में मेरे बच्चों। ठीक है, अगर इसकी शेप की बात करें तो सर्कुलर, जस्ट लाइक आरबीसी, वो बायकॉनकेव था, बट ये बायकॉनवेक्स है मेरे बच्चों। ठीक है, लाइफ स्पैन नीट का बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल, 1 वीक, ये सिर्फ 1 हफ्ते तक इंतजार करेंगे, उसके बाद दम तोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, इसका जो नंबर होता है 1.5 से 3.5 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड होता है, यानी 1.5 से 3.5 लाख तक इतना अमाउंट रहेगा। ठीक है, पर mm³ ऑफ ब्लड हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, अगर ये नहीं होगा तो दर्द जो है बहता चला जाएगा पानी की तरह। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पार्ट कंप्लीट। समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में, क्योंकि नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड टॉपिक, दैट इज अ ब्लड ग्रुपिंग। आगे तो जल्दी बताएंगे चैट बॉक्स में। यस, लता मंगेशकर स्टिल अलाइव हूं मैं। अब ज्यादा हो गया, पता है तुम लोग की तारीफ करने का स्टाइल ना ऐसे, या तो बहुत बहुत ज्यादा तारीफ कर दोगे कि ऐसा जिंदगी झंड लगने लगेगी, या फिर तारीफ ही नहीं करोगे, इसलिए तुम लोग ना जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हो अभी तक। हाँ,
रियलिस्टिक तारीफ भी कोई चीज होती है नालायकों। अब आ जाओ ब्लड ग्रुपिंग। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे ग्रुप्स बन जाते हैं, जैसे मेरा ग्रुप है बी पॉजिटिव, तुम्हारा क्या ग्रुप है बताओ जल्दी से चैट बॉक्स में, ठीक है। तो अब ना ग्रुप्स बन जाते हैं मेरे बच्चों, तो ब्लड ग्रुप होता है। तो ये जो ब्लड ग्रुप है, ये ग्रुपिंग किसने की थी? कार्ल लाइनस्टीनर ने, ठीक है। इन्होंने अच्छी सी गाड़ी में बैठ के, कार्ल थे, उन्होंने लैंड पे बैठ के, ठीक है, ऐसे ग्रुपिंग करना शुरू किया, जिसे हम कहते हैं ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है। इन्होंने एबीओ ब्लड ग्रुप दिया। कैसा दिया? एबीओ ब्लड ग्रुप। आपको कोई मैं एबीओ क्या है, एबीसी हमने पढ़ा है बचपन से, एबीओ क्या है? ये ए एंड बी क्या है? ये हमारे एंटीजन्स है, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे अच्छे से बताएंगे, ठीक। तो होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारा है आरबीसी। क्या है ये बच्चों हमारा? दिस इज आर आरबीसी। अब आरबीसी के ऊपर कुछ चीजें ऐसी होती है जो हम अपने मम्मी पापा से लेके आते हैं, जिन्हें हम एंटीजन्स कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? इनको हम कहते हैं एंटीजन्स। तो यहाँ पे हमारा है ए एंटीजन। अगर एंटीजन ए हम लेकर आए हैं, ठीक है, तो मेरा ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, क्योंकि मैं लेकर आई हूं ना, ठीक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एंटीजन बी है, अगर मेरे पास एंटीजन बी है, तो यानी कि मेरा ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा, क्योंकि मैं बी लेकर आई हूँ। और अगर मेरे पास ये दोनों है, तो मेरा ब्लड ग्रुप ए बी हो जाएगा। मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। और अगर मेरे पास कुछ नहीं है, तो मेरा ब्लड ग्रुप ओ हो जाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन, किसके बेसिस पे? एंटीजन या एंटीबॉडी? एंटीजन या एंटीबॉडी, जल्दी बताइए सब चैट बॉक्स में। यस, हाँ यस, जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में। तो अगर हम देखें तो एंटीजन जो कि आरबीसी के सरफेस पे प्रेजेंट होता है, उसके बेसिस पे हम ब्लड ग्रुपिंग डिसाइड करते हैं। जो एंटीबॉडी है वो हमेशा किसके अंदर प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा। अब सेम एंटीबॉडी नहीं हो सकते। अगर मेरे पास ए एंटीजन है, अगर मेरे पास ए एंटीजन है, तो मेरे पास एंटीबॉडी ए नहीं हो सकती, क्योंकि आपस में लड़ जाएंगे, ये आपस में लड़ जाएंगे। तो इसलिए हमेशा ऑपोजिट एंटीबॉडी रहेगी, सो दैट कि आपस में लड़ाई ना करें, ठीक है। चलिए आइए अब देखते हैं टेबल को। ये रही हमारी टेबल। तो अब यहाँ पे एक और आया, रीजस मंकी। मंकी माने सुशीला, ठीक है। अभी मेरे यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी आती है, उसका नाम मैंने सुशीला रखा हुआ है, ठीक है। ऐसी रीजस मंकी था, प्यारा था, उसका ब्लड देख रहे थे नालायक, बताओ इतना प्यारा था, उसका ब्लड कोई देखने की चीज है। जब उन्होंने ब्लड देखा तो उन्होंने कहा, उड़े तो वाह, इसमें तो एक और नया फैक्टर निकल गया। उस फैक्टर का नाम क्या था? आर एच फैक्टर। क्या नाम था उस फैक्टर का बच्चों? उस फैक्टर का नाम था आर एच फैक्टर, जो कि रीजस मंकी में देखा गया था सबसे पहली बात, ठीक है। तो अगर मेरे पास ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, मान लीजिए ए पॉजिटिव मेरा ब्लड ग्रुप है, तो मेरे पास दो एंटीजन होंगे आरबीसी के सर्फेस पे, एक तो ए एंटीजन और दूसरा आर एच एंटीजन। बट एंटीबॉडी ऑपोजिट वाली होगी, एंटीबॉडी बी, क्योंकि अगर एंटीबॉडी ए होगी तो आपस में घमासान, तो उसे रोकना है, ठीक है। ए नेगेटिव, तो मेरे आरबीसी पे सिर्फ ए एंटीजन होगा। अगर बी पॉजिटिव है तो बी और आर एच एंटीजन होगा, बी नेगेटिव है तो सिर्फ बी एंटीजन होगा। ए बी पॉजिटिव, इसके पास हर तरह का एंटीजन होगा, ए बी 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 आर एच बी, सारे तरह के एंटीजन है। ए बी नेगेटिव के पास ए एंड बी बट आर एच नहीं है। ओ पॉजिटिव है तो आर एच एंटीजन होगा, बट ओ नेगेटिव है तो बेचारे के पास कोई एंटीजन ही नहीं है। ये तो खाली हाथ आए थे, क्या लेके जाएंगे, ठीक है, बोल नहीं सकते ना, खाली हाथ आया तो क्या लेके जाएगा, ठीक है। क्या है ना, प्राइवेट कर देगी मेरी वीडियो, अभी यानी कि मुझे कॉल करेगा, कहेगा मैम आप आ जाओ, आप आ जाओ, आप अपना गली बॉय कल करना है, ठीक है, तो इसलिए बेटा समझ जाना। तो अब यहाँ पे आते हैं, कौन सर्वग्राही है और कौन सर्वदानी है। सर्वग्राही वो होता है जो सबसे माल बटोर सकता है, ठीक है, यानी कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट, वो है हमारा ए बी पॉजिटिव, ठीक है। बट सर्वदानी, ऐसा जो सबको खून दे सकता है, ठीक है ना बच्चों, वो क्या हमारा? ओ नेगेटिव। तो अगर बहुत प्रिसाइसली पूछेगा तो ऐसे, ठीक है बेटा, यस मैम, यहाँ एंटीबॉडी एंड सीरम लिखा है। सीरम भी तो बेटा वही होता है ना, प्लाज्मा, बस उसमें क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता, इतना परेशान हो जाते तुम लोग। चलिए अब आगे चले नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, जिसको हम कहते हैं हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न, HDNB इसको हम कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हमारे पास है फादर एंड मदर, ठीक है। पप्पा आर एच पॉजिटिव है, मम्मी आर एच नेगेटिव है, यानी पप्पा ए पॉजिटिव हो सकते हैं, बी पॉजिटिव हो सकते हैं, ए बी पॉजिटिव हो सकते हैं, ओ पॉजिटिव, बट पॉजिटिव जरूर रहेंगे पप्पा, ठीक है। वहीं पर मम्मी है नेगेटिव, नहीं बिठे नहीं जाएगी घूमने,
मम्मी का हर चीज पर फर्स्ट रिएक्शन होता है, नहीं नहीं बिगड़ जाएंगे, इनको घर में रखो, ठीक है? यस, तो मदर इज लाइक यू नो, एक मदरली फीलिंग होती है, कंसर्न होता है, ठीक है? आर एच नेगेटिव, तो यहाँ पे मदर इज आर एच नेगेटिव, पापा इज पॉजिटिव, अरे भाई इनको जाने दो यार, थोड़ा तो नेटफ्लिक्स देखने देंगे, अरे जाने दो, अरे जा बेटा साइकिल लेके जा, एक हाथ को फोड़ के आइए, जा रे जा, मेरा नेटफ्लिक्स का टाइम है, जा, अरे दिमाग रख, जा तो जा, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ऐसे याद रखना है कि मदर जो है नेगेटिवली रिस्पॉन्ड कर रही है, बट पापा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है? तो फादर पॉजिटिव, मदर नेगेटिव, अब क्या हुआ, पहली खुशखबरी आई, ठीक है? चलो चलो, पहली खुशखबरी आई, कुछ नहीं पता चला किसी को, अब हुआ क्या, जो बिटवा था, ठीक है? अब होता क्या है, प्रेगनेंसी के टाइम पे मेटर्नल ब्लड और फीटल ब्लड, यानी बच्चे और माँ के बीच में एक बैरियर बनता है, जिसका नाम क्या होता है बच्चों, उस बैरियर का नाम क्या होता है, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कहता है माँ का ब्लड इधर, बेटे बच्चे का ब्लड इधर, अलग अलग रखना है, मिक्स नहीं करना है इसको, ठीक है? तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बट बच्चा यहाँ पे क्या था, आर एच पॉजिटिव, वो पप्पा पे चला गया, आर एच पॉजिटिव। अब हुआ क्या, पार्चुरेशन, किलकारी आई, जब किलकारी आई, बच्चे का चाइल्ड बर्थ हुआ, तो पहले बच्चा बाहर आया, उसके बाद अम्बिलिकल कॉर्ड आई, उसके बाद प्लेसेंटा बाहर आया। जब प्लेसेंटा बाहर आया ना, वो मोमेंट था जब फीटल ब्लड मेटर्नल ब्लड के साथ मिक्स हो गया, यानी बच्चे का ब्लड माँ के ब्लड के साथ मिक्स हो गया, और जब वो मिक्स होता है ना, तो बच्चे के ब्लड में था आरएच एंटीजन, तो माँ के ब्लड ने कहा एक नया एंटीजन आया है, बनाओ सब मिलके एंटीबॉडी, तो माँ के ब्लड ने बनानी शुरू कर दी एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनी है, आरएच एंटीजन के खिलाफ बनी है, ठीक है? अब पहली प्रेगनेंसी में हमें कुछ पता नहीं चला, सब किलकारी हो, आप पूजा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ठीक है, ये सब चल रहा है। अब सेकंड प्रेगनेंसी, फिर से खुशखबरी, बट इस टाइम एवरीबॉडी इज ख्याल रखना, चलो हो जाएगा सब, ठीक है? अब यहाँ सेकंड प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है, फिर से बच्चा आर एच पॉजिटिव हो गया, ठीक है? अब जब आर एच पॉजिटिव हो गया बच्चा, तो इस बार माँ ने एंटीबॉडी बना रखी थी, माँ ने क्या बना रखी थी, एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा क्रॉस करेगी, बच्चे के आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट आरएच एंटीजन को मारना शुरू करेगी, जैसे जैसे मारेगी आरबीसी कम होता जाएगा बच्चे में, बच्चा एनीमिक हो जाएगा, और अगर बहुत ज्यादा एंटीबॉडी बनी होगी तो बच्चा मर भी सकता है। दिस इज कॉल्ड एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ठीक है बच्चों? अब इसी कंडीशन को रोकने के लिए हम फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद माँ को दे देंगे रोगम का इंजेक्शन, जो एंटीबॉडी माँ के ब्लड ने बनाई थी आरएच एंटीजन के खिलाफ, उन सारी एंटीबॉडीज को ये तहस नहस कर देगा। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में किलकारियों में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। बोलो जय माता दी, इसी बात पे सब बोलेंगे जय माता दी। चलिए आगे चलिए, अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पे आएंगे, उससे पहले पानी पिएंगे थोड़ा सा। चलो चलो अब आगे चलते हैं, ठीक है? आगे हम चलेंगे किस पे, ब्लड कोएगुलेशन पे। दिस इज आवर ब्लड कोएगुलेशन, जहां से नीट में क्वेश्चन आता है। तो सबसे क्या है, पहले होता है ना बेटा, कोएगुलेशन का मतलब समझो रक्त थक्का, अपन को अपने खून को बहने से रोकना है, क्योंकि हमारा खून क्या है, कीमती है, उसको बहने से। ये गाना बिल्कुल गलत है, मुझे बहने दे, मुझे बहने दे, ठीक है? बॉडी से नहीं बहने दूंगा, नहीं बहने दूंगा, ठीक है? बस इस तरीके से बॉडी और ब्लड के बीच में बातचीत चल रही है। अब हुआ क्या, अब होगी इंजरी। इंजरी क्या हो सकती है, धोखा हो सकता है, ठीक है? या धोखे के बाद का साइड इफेक्ट हो सकता है, ठीक है? या अंदरूनी चोट हो सकती है, या बाहरी चोट हो सकती है, कोई भी तरह की चोट हो सकती है, ठीक है? तो जैसी चोट लगती है ना, तो सबसे पहले प्लेटलेट आ जाती है, चोट लगी है, चल देखने चलते हैं। तो इनके अंदर भी वही एक्साइटमेंट रहता है देखने का, जो हम लोगों में एक्साइटमेंट रहता है बच्चों, ठीक है? जैसे ही देखती हूँ और ये कहती नहीं नहीं, तो अपना पल्लू को थोड़ा सा ऐसे काट के, नहीं अभी मैं इसको सही कर देती हूँ, ठीक है? वो पल्लू में क्या होती है, जादुई ताकत होती है, एकदम से हीरो ठीक हो जाता है। ऐसे क्या होता है, वो जादुई ताकत क्या है, वो है थ्रोम्बोप्लास्टिन। प्लेटलेट्स आया थ्रोम्बोप्लास्टिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन कहता है सुन सुन थ्रोम्बोकाइनेस, तू एक्टिव हो जा। अब थ्रोम्बोकाइनेस एक्टिव हुआ, ये थ्रोम्बोकाइनेस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है? अब ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देगा। अब ये फाइबर्स बन गए, अब ये फाइबर्स जो है सील कर देगा ऐसे, है ना? इस तरह से मैं बताती हूँ ना, ऐसे 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 ही दिखता है कुछ,
पल्लू ऐसा सही दिखता है, ठीक है, ऐसे लगा देती है हीरोइन, ऐसे देखा ऐसे, एंड ही वाज लाइक बस अब मैं जाता हूँ और अब देखियो तू काम तमाम, इस तरीके से ऐसे लगा देते, ठीक, ऐसे ऐसे फटाफट ऐसे सही लगता है, बिल्कुल ऑथेंटिक है, बिल्कुल ऑथेंटिक पल्लू, देख लो फटाफट से, ये मेरी क्रेप बैंडेज थी पुराने वाली, ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये होता है बच्चों इस तरीके से, ठीक। अब आगे चलते हैं, ये हमारा हो गया ब्लड कोएगुलेशन। अब आते हैं यहाँ पे लिम्फ, एक छोटा सा टॉपिक और दिया हुआ है एनसीईआरटी ने जो मुझे नोट्स में नहीं दिख रहा है, बट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। नाउ व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ एक मिडल मैन है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मानसी को जाना है, ठीक है, मानसी को जाना है कहाँ पे, गोवा स्कूल की ट्रिप से, तो मानसी खुद तो बोलेगी नहीं, वो पापा से बात करना चाह रही है, ठीक है। पापा लोग को ना गोवा से बड़ी प्रॉब्लम है, पापा लोग खुद घूम चुके हैं तो उन्हें पता है गोवा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो अब मानसी कह रही है अपनी मम्मी से, मम्मी गोवा जाना है आप बात कर लो, ठीक है। मम्मी कह रही है, ऐसे मम्मी पता है ना ही होगा, बट बच्ची को खुश करने के लिए, ठीक है, मिडल मैन कि गोवा जाना है बिटिया को, है ना। पापा ने अभी तो कुछ बोला नहीं, पापा ने मना कर दिया, कह रही कि वहां सब सही नहीं है, गए थे पापा पिछले साल, कैसे सब ठीक नहीं है, यस, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा लिम्फ क्या है ना, मिडल मैन की तरह काम कर रहा है। अब आप कहेंगे मैम ये किसका मिडल मैन है, चलिए आइए मैं बताती हूँ, बहुत प्यार से समझाऊंगी, आज ही आपको याद हो जाएगा। ये हमारी ब्लड कैपिलरी है, ये हमारी ब्लड कैपिलरी है, क्या बच्चों, दिस इज आवर ब्लड कैपिलरी, ये ब्लड कैपिलरी है, ठीक है, और यहाँ पे हमारा है टिश्यू। अब आपको पता है इन दोनों के बीच में एक्सचेंज चलता रहता है हमेशा, यानी कि देखो ऑक्सीजन यहाँ जाएगी, CO2 ऐसे जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज, मतलब ऑलमोस्ट एक्सचेंज चलता है, बट बीच में ना कुछ कुछ चीजें लीक हो जाती है, ठीक है, क्या होता है, कुछ कुछ चीजें बीच में लीक हो जाती है। अब जो चीजें यहाँ पे लीक कर जाती है ना, वो ओवर द टाइम क्या बना लेता है, लिम्फ, क्या बना लेता है बच्चों, दिस मेक्स अप लिम्फ। अब इस लिम्फ को यहां से उठा के वापस ब्लड में मिक्स कराना है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, लिम्फैटिक सिस्टम चाहिए। इस लिम्फ को यहां से उठा के वापस ब्लड में डालना है, इसके लिए मुझे लिम्फैटिक सिस्टम चाहिए, और अगर ये लिम्फ यहां से नहीं निकला तो सूजन आ जाएगी, ठीक है, सूजी, ठीक है। कौन पूजी को सूजी बोला, ए चैट बॉक्स में कौन पूजी को सूजी बोला, पिटाई कर दूंगी मैं, सारे नामों का मजाक उड़ाते रहते हो जब देखो। तो बेटा कोई उड़ा रहा था, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, कोई उड़ा रहा था, मैं डांट रही थी बस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, लिम्फ, लिम्फ को यहां से निकालने के लिए, टिश्यू से निकालने के लिए, वापस ब्लड में डालने के लिए यू नीड एडिशनल सिस्टम, दैट इज कॉल्ड लिम्फैटिक सिस्टम, क्या कहते हैं उसको बच्चों, लिम्फैटिक सिस्टम, ठीक है। अब लिम्फैटिक सिस्टम में क्या होती है, लिम्फैटिक कैपिलरी होती है, कैपिलरी वेसल को ज्वाइन करेगी, वेसल डक्ट को ज्वाइन करेगी और सीधा ब्लड में, तो मिट्टी से बने हैं मिट्टी में मिल जाना है, मिट्टी से बने हैं मिट्टी में मिल जाना है, ठीक है। तो यानी ब्लड से ही बना था, ब्लड में ही मिल जाना है, बट इसको मिलना बहुत जरूरी है वरना स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है भाई। अब आते हैं इसकी कॉम्पोजिशन के लिए, चलो भाई रंग क्या है इसका, कौन बताएगा मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, हाँ यस, रंग क्या है इसका, कलरलेस हो सकता है या पेल येलो हो सकता है, बिल्कुल हल्का येलो, पेल येलो, स्ट्रॉ येलो, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आरबीसी नहीं होता है, सबसे पहली चीज, इसके अंदर कैल्शियम होता है, इसके अंदर लिम्फोसाइट्स भी होते हैं, इसके अंदर हॉर्मोन्स भी होते हैं, इसके अंदर प्रोटीन भी होता है, ठीक है, इसके अंदर CO2 भी होता है, इसके अंदर वेस्ट मटेरियल भी होता है, तो ये सारी चीजें होती है हमारे लिम्फ के अंदर जो कि लीकेज से बन रहा है, ठीक है, यस। समझ में आया नहीं आया, जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में, यस, यहां तक चैप्टर सबको कंप्लीट, समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्योंकि नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर टॉपिक, दैट इज डबल सर्कुलेशन। बच्चे लिख रही है, ये कौन से स्कूल वाले जो गोवा लेके जाते हैं, वहां तो हरिद्वार, कोई नहीं, तो मैं मेडिकल कॉलेज से जाना, ठीक है, गोवा के बीच पे तो जाना। कॉमेडी मत क्या करो मेरी क्लास में, इतनी सीरियस क्लास चल रही होती है, जब देखो कॉमेडी, डर नहीं है तुम्हें मेरा, यस, तुम मेरा डर खत्म हो गया, मैं बता दूं, मैं अपना डर बना के रहूंगी, बहुत नालायक हो गए तुम आजकल, जीरो डर है मेरा, जीरो डर आजकल। चलो डबल सर्कुलेशन, नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद डबल सर्कुलेशन,
हमें पहले और तरह के सर्कुलेशन भी करने चाहिए मुझे ऐसा लगता है। फटाफट से उसका एक टेबल है, आसान सा टेबल है, उसको मैं फटाफट से समझा देती हूँ, बच्चों का रिवीजन मेरे साथ हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बेटा टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। यहाँ पे हम करेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। तो सबसे पहले जो आप लोग हैं, आप लोग क्या हैं? सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले हम सिंगल सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, फिर हम बात करेंगे इनकम्प्लीट डबल यानी कि वन साइडेड लव, है ना। दर्द दिलों के कम हो जाते, बट यहाँ तो कम ही नहीं हो रहे, इनकम्प्लीट डबल। ठीक है, फिर हमारा कंप्लीट डबल। ओ हो, ये मम्मी पापा की मर्जी वाला है। ठीक है, कंप्लीट डबल। चलो अब समझाती हूँ। अब सिंगल सर्कुलेशन क्या है, ये अपन को अपन की मछलियों में मिलता है। सिंगल वाली कौन सी में मिलेगा? मछलियों में, फिशेज में। किस में मिलेगा बच्चों? फिशेज में। ठीक है, अगर फिशेज की बात करें तो इसके हार्ट की बात करें तो इसके पास टू चेम्बर्ड हार्ट है। कितना चेम्बर्ड हार्ट है? सब मैम के साथ बोलेंगे, टू चेम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, बट रुको, सबसे पहले इसके पास गिल्स है। गिल से कैसा ब्लड आएगा बॉडी के अंदर? ऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड आएगा? ऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ये सीधा कहाँ जाएगा? बॉडी के पास, बॉडी टिश्यू के पास। किसके पास जाएगा? बॉडी टिश्यू के पास जाएगा। ठीक है, बॉडी टिश्यू से ये सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? वीनस ब्लड जिसे कहते हैं, ये अपन के दिल के पास जाएगा। ये जो दिल है इसके पास टू चेम्बर्ड हार्ट है। ठीक है, यानी कि एक एट्री और एक वेंट्रिकल, जहां से जो ब्लड है फिर से गिल्स के पास जाएगा, जहां पे वापस से ऑक्सीजनेट हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे दो चक्र दिख रहे हैं या एक चक्र दिख रहा है? कितने तरह के चक्र दिख रहे हैं जल्दी बताएंगे सब मुझे चैट बॉक्स में। यहाँ पे आई थिंक हर बच्चे को सिर्फ एक चक्र दिख रहा है, इसलिए इसे सिंगल सर्कुलेशन बोलेंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे, आ जाइए। यहाँ पे हमारे लंग्स है, जिन्हें हिंदी में फुफ्फुस कहते हैं, फेफड़े कहते हैं। क्या कहते हैं? फुफ्फुस। ठीक है, यहाँ पे हमारा हार्ट है, हार्ट बना लेते हैं प्यारा सा। प्यारा सा चाहे तेरा द्वार भवानी। चलो आ जाओ, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैम ने दो वेंट्रिकल्स की जगह एक वेंट्रिकल बनाया। ठीक है, और यहाँ पे हमारे टिश्यूज, यहाँ के बच्चे पार्टी हमारे टिश्यूज है। ठीक है, अब आते हैं इसको देखते हैं। मैम एनसीईआरटी हाईलाइट ऑफ एनिमल किंगडम प्लीज। बना तो दी, ऐड नहीं की गई इन्होंने प्लेलिस्ट में, बना तो दिए, नाट में भी बना दी। यस, चलो आ जाओ, अब आते हैं लंग्स पे। लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा एट्रिया में, जहां से वेंट्रिकल से जाएगा टिश्यू पे। ठीक है, टिश्यू से CO2 और ऑक्सीजन यहाँ चला गया, यहां से वापस एट्रिया, एट्रिया से वेंट्रिकल। ठीक है, वेंट्रिकल से वापस लंग्स। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा या नहीं होगा, बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में। यस, यहाँ पे मिक्सिंग होगा या नहीं होगा? यहाँ पे बिल्कुल मिक्सिंग होगा, यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड चल रहा है। यहाँ पे क्या चल रहा है? मिलावट चल रही है मेरे बच्चों। ठीक है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड, मिक्सिंग ऑफ ब्लड का मतलब क्या? ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो रहा है, तो जो एफिशिएंसी है काम करने की वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग, या जो वर्क है वो क्या हो जाएगा? बेहद कम हो जाएगी। ठीक है, समझ में लगा या नहीं लगा जल्दी बताएंगे सब चैट बॉक्स में। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो वी हैव फर्स्ट एम्फीबिया, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में कौन आता है? मेंढक। ठीक है, मेंढक। फिर दूसरे आते हैं हमारे रेप्टाइल्स, बट रेप्टाइल्स में एक एक्सेप्ट भी है। एक्सेप्ट कौन है? क्रोकोडिलिया। एक्सेप्ट क्रोकोडिलिया, क्योंकि इसके पास चार चेम्बर हार्ट होता है, तब भी आलसियों की तरह पड़ा रहता है एक जगह पे। ठीक है, यस, अब आ जाओ, कंप्लीट डबल यानी कि मम्मी पापा की मर्जी वाला प्यार है ये। ठीक है, इसमें ना मम्मी पापा कुछ नहीं। अच्छा बेटा प्यार कर लो, कर लो, अपनी मर्जी से मत कर लेना, बस प्यार पूछ के किया करो उनसे। यस, एट्रिया वेंट्रिकल, वेंट्रिकल एट्रिया, फोर चेम्बर्ड है, चारों आपस में अलग है। ठीक है, फोर चेम्बर कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर यूजिंग सेप्टा। ये हमारे क्या है? टिश्यूज है, ये हमारे क्या है? टिश्यूज। तो होता क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये हमारा क्या है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लंग से एट्रिया के पास लेकर आएगी वो है पल्मोनरी वेन। कौन है? पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रिया से कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से जाएगा टिश्यू, टिश्यू के पास कौन लेके जाएगी? एओटा। कौन लेके जाएगी? एओटा। ठीक है, अब टिश्यू के पास जब एओटा से जाएगा तो ऑक्सीजन टिश्यू के पास चला जाएगा, CO2 रिटर्न आ जाएगा। क्या जाएगा? CO2 रिटर्न। ठीक है, अब यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले कहां जाएगा? एओटा में, सॉरी एट्रिया में। ये कौन लेके जाएगा? वेना कावा। ठीक है, चप्पा चप्पा चरखा चले,
चप्पा चप्पा चरखा चले तो यहाँ से वेना कैवा ले गया। दो तरह की वेना कैवा थी, एक सुपीरियर और एक इंफीरियर। सुपीरियर वाली डायफ्राम से ऊपर से सारा हफ्ता वसूली करेगी और इंफीरियर वाली डायफ्राम से नीचे वाले ऑर्गन से हफ्ता वसूली करेगी। ठीक है, फिर यहाँ से जाएगा वेंट्रिकल। अब वेंट्रिकल से लंग्स के पास जो है ये डिऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी। कौन लेके जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मामले दो चक्कर बनाए, इसलिए से डबल सर्कुलेशन कहते हैं। कंप्लीट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड, किसी भी तरह की मिक्सिंग ऑफ ब्लड यहाँ पे नहीं हो रही है। There is no mixing of blood. किसी तरह की मिक्सिंग नहीं है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो ऊपर वाला सिस्टम है जहां पे फेफड़े इन्वॉल्व है उसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या कहते हैं इसे? We call this as पल्मोनरी सर्कुलेशन। वही जो नीचे वाला है जिसके अंदर सिस्टम इन्वॉल्व है उसे हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे बच्चों? उसे हम बोलेंगे सिस्टमिक सर्कुलेशन। ठीक है, अब इस आ जाते हैं इसकी एग्जाम्पल। एग्जाम्पल की बात करें तो वी हैव क्रोकोडिलिया, वी हैव पक्षी, चिड़िया बन के घूमू मैं, फिर है मैमल्स विच हैव मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल। इज दिस टॉपिक क्लियर टू एवरीवन इन द क्लास? जल्दी से थम्स अप बनाएंगे सब चैट बॉक्स में। चलिए साइलेंट गर्ल ब्लैक लवर लेजेंड, कहां से इतने तुम इनोवेटिव होता था अपना नाम लिखने के लिए? साइलेंट गर्ल ब्लैक लवर लेजेंड, क्या मतलब सोचते रहते हो क्या? सारे कीवर्ड्स लिखते कि अपन का नाम सबसे ज्यादा सर्च में चला जाए, लेजेंड वर्ड से, साइलेंट से, इतना इनोवेशन ले आते हो ना कई बार तुम, बेहोश हो जाता है टीचर, तो साइड बैठे टीचर बेहोश। चलिए आइए अब आते हैं दिल की धड़कनों के बारे में बात करते हैं। बहुत ही सुंदर डायग्राम आपको दिख रहा होगा विच इज अ ह्यूमन हार्ट। इसमें वो लेबलिंग्स है जो कि बेसिकली एनसीईआरटी में दी गई है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यस, चलो आ लो अब आगे चलते हैं। ह्यूमन हार्ट, नाउ व्हेन आई से ह्यूमन हार्ट, ठीक है, मैं बात कर रही हूं अपने दिल की और आपके दिल की। ठीक है, दिल की बातें करेंगे सिलेक्शन के बाद। ठीक है, यस, अब आ जाओ बेटा। तो यहाँ पे चार चेम्बर्स हमको दिख रहे हैं। इन चार चेम्बर्स में सबसे पहले हमें समझना होगा कि इसकी कितनी कवरिंग्स है। सिंस ये दिल है तो दिल को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी है, ये बात तो आप जानते हैं, सफोला की एड में आपने देखा भी होगा। ठीक है, तो इस सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो डबल मेम्ब्रेन होती है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? पेरिकार्डियम। पेरी मीन्स पेरीफेरी यानी आउटर मोस्ट। ठीक है, इसके अंदर एक पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में जो कि धक 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 आराम से होने देता है। ठीक है बच्चों, यस। फिर आती है बीच वाली, दैट बीच वाली लेयर इज कॉल्ड मायोकार्डियम। मायो मीन्स मसल, इसके अंदर कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती हैं जो इनवॉलेंट्री होती है, जो आपकी बात नहीं सुनती है। तो अगर आपका दिल आ जाता है तो आप उसे संभाल नहीं सकते क्योंकि इट इज सपोज टू बी इनवॉलेंट्री, वो आ जाता है। ठीक है, बस फिर दिमाग से आप उसे समझा, कोई नहीं इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, है ना? बट ऐसे गाने सुनने से आपका दिमाग कहता है कि कोई नहीं। ठीक है, तो ये बात होती है बेटा यहाँ पे कार्डियक मसल है। ये जो कार्डियक मसल है सबसे मोटी लेफ्ट वेंट्रिकल की होती है क्योंकि इसे सबसे दूर तक ब्लड भेजना है, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर एट्रिया, और जो सबसे इनर मोस्ट होती है ना दिल की, जो सीधा ब्लड से कनेक्टेड होती है, उसे हम एंडोकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एंडोकार्डियम। अब आते हैं स्ट्रक्चर की डिटेल्स देखते हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेकर आती है? पल्मोनरी वेन। ठीक है, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन है। दोनों एट्रिया के बीच में एक आपको डिप्रेशन दिख रहा होगा, नोरा दिख, सॉरी डिप्रेशन दिख रहा है बेटा? कैन यू सी दिस डिप्रेशन एवरीवन? मैंने हाईलाइट किया है। दिस डिप्रेशन इज कॉल्ड एज फॉसा ओवैलिस। इसको क्या कहते हैं? फॉसा ओवैलिस। तो जब हम माँ के पेट के अंदर होते हैं, मतलब वूम में होते हैं, तब ये खुला हुआ होता है, फोरामेन ओवैलिस। ठीक है, पर जैसे हम बाहर आते हैं हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हम अपने दिल के दरवाजों को बंद कर देते हैं, जिसे हम फॉसा ओवैलिस कहते हैं। अगर ये खुला रह गया तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगी, जिसे हम दिल का छेद कहते हैं, जिसका ऑपरेशन कराया जाता है क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है। ठीक है बच्चों, यस, आ जाओ नेक्स्ट पे आते हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे एट्रिया वेंट्रिकल्स के बीच में वाल्व्स होते हैं टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। यहाँ पे लेफ्ट एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व है। ठीक है, फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो राइट के बीच में है ट्राइकस्पिड वाल्व।
ठीक है, जहां पे सुपीरियर वेना कैवा है, इंफीरियर वेना कैवा है, कोरोनरी साइनस है, जो कि डिऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से लेकर आएगी। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। आ जाओ भाई, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ, पहले ये बताओ अपन का जो दिल है वो मायोजेनिक है न्यूरोजेनिक है, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में, अपन का जो दिल है वो मायोजेनिक है न्यूरोजेनिक है, जल्दी बताओ, मायोजेनिक या न्यूरोजेनिक। मायोजेनिक वो हार्ट होता है व्हेन द मसल्स आर मॉडिफाइड टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। अपन की मसल्स, आपको पता है हम दिल अगर किसी को निकाल के दे देंगे ना, तब भी वो धड़केगा, उसके लिए नहीं धड़केगा, इट इज सपोज टू बी, क्योंकि हमारा दिल मायोजेनिक है, वो नहीं सुनता दिमाग की बात, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें तेरा घाटा तेरा कुछ नहीं जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता, दिल अपनी ही बात सुनता है, अपने ही टर्म्स पे धड़कता है और अपना ही रिदम पे धड़कता है, दैट्स व्हाई दिल सबसे बड़ी चीज होती है। ठीक है चलो, अब कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक है सबसे पहले सैन, दैट इज साइनो एट्रियल नोड, ये पेस मेकर ऑफ हार्ट होता है, यही है जो ये जो पेस बना के रखता है, ठीक है, अगर ये ठंडा पड़ गया ना तो पूरा शरीर ठंडा पड़ जाएगा। फिर एवी नोड है, फिर क्या बच्चों, एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिस राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, और लास्ट में आती है पुर्किंजी फाइबर्स जो कि सीधा कार्डियक मसल के पास जाए। ठीक है, तो ये कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। अब आते हैं कार्डियक साइकिल, मैं कार्डियक साइकिल हमेशा ऐसे ही पढ़ाती हूँ, चाहे वन पेज नोट्स हो या मेरा डिटेल लेक्चर हो, क्योंकि मुझे लगता है इससे बेहतरीन तरीका नहीं हो सकता कार्डियक साइकिल को समझाना किसी भी एक ऐसे बच्चे को जिसे समझ नहीं आती है चीजें। ठीक है, यस आ जाओ, तो अब यहाँ पे हम आते हैं कार्डियक साइकिल के बारे में बात करते हैं। कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड की होती है, तो यानी कि एक मिनट के अंदर 72 साइकिल होती है, एक मिनट के अंदर कितनी होती है, 72 साइकिल पर मिनट होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक कार्डियक साइकिल में तीन स्टेजेस होते हैं, एक होता है एट्रियल सिस्टोल, दूसरा होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तीसरा होता है जॉइंट डायस्टोल, तीन फेजेस होते हैं। ठीक है, अब पहला जो ड्यूरेशन है वो है 0.1 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.4 सेकेंड, तीन स्टेजेस में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ना दो आवाज भी आती है, दिल की आवाज, कहते हैं ना दिल की आवाज सुनो बेटा, तो ऐसे दिल की आवाज। ठीक है, दिल की आवाज में पहला जो हार्ट साउंड है उसे हम लव कहते हैं, वो कहता है लव लव, दूसरी आवाज में वो कहता है डम डम। ठीक है, यस, तो यहाँ पे क्या है, लम दम लम दम। ठीक है, यस, तो यहाँ पे लव एंड डब, लव जो आता है तब आता है जब एवी वाल्व्स बंद होते हैं, और डब तब प्रोड्यूस होता है जब सेमी लूनार वाल्व्स बंद होते हैं। अगर इन दोनों आवाज में कुछ गड़बड़ है तो उसे हार्ट मर्मर्स कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, हार्ट मर्मर्स। अगर ये आवाज ऐसी नहीं आ रही है तो वो भी यार, ठीक है, यस, वो भी क्या है, खतरनाक सिचुएशन है, हार्ट मर्मर। ठीक है, अब आते हैं इसकी प्रोसेस की बात करते हैं, तो अगर हम देखें पहला जो हमारा फेज है दैट इज कॉल्ड एट्रियल सिस्टोल, अभी हम पढ़ के आए, एट्रियल सिस्टोल यानी एट्रिया क्या करेगा बच्चों, इसमें एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अगर जोश नहीं है तो भागो मेरी क्लास से, जोश नहीं तो भागो मेरी क्लास से, सब आंसर देंगे चैट बॉक्स में। अगर एट्रियल सिस्टोल की मैं बात कर रही हूं तो एट्रिया क्या कर रहा है उस टाइम पे, कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल उस टाइम पे रिलैक्स रहेगा, तो यानी कि ब्लड कहां से जा रहा है, एट्रिया से वेंट्रिकल्स में जा रहा है ब्लड, एट्रिया से वेंट्रिकल जाएगा तो एवी वाल्व्स तो ओपन होंगे ना, तभी ब्लड जाएगा, और सेमिलूनार वाल्व्स हो जाएंगे क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूं 0.1 से 0.4 सेकंड यानी वेंट्रिकल सिस्टोल की, तो इसमें क्या हो रहा है, एट्रिया रिलैक्स, एट्रिया रिलैक्स कर रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वेंट्रिकल, और ब्लड जो है वेंट्रिकल से बॉडी में जा रहा है, तो सेमिलूनार वाल्व खुलेगा और एवी वाल्व बंद रहेगा। ठीक है, वहीं पे अगर जॉइंट डायस्टोल की मैं बात करूं तो एट्रिया रिलैक्स्ड है, वेंट्रिकल भी रिलैक्स्ड है, एवी वाल्व्स जो है ओपन रहेंगे और ये क्लोज रहेगा, क्योंकि 70% फिलिंग जो होती है वेंट्रिकल्स की वो किस में हो जाती है, हमारे जॉइंट डायस्टोल में, तो इसलिए हमें एवी वाल्व्स को खोलना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया, अब आते हैं कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट क्या है, क्या होता है ना, एक मिनट में दिल कितना ब्लड फॉर्म करेगा, दैट इज कॉल्ड कार्डियक आउटपुट, कितना दिल, तुम 5 लीटर पानी पूरे दिन में नहीं पी पाते जितना वो ब्लड एक मिनट में पंप कर देता है। तो दिल की यार, दिल की बात सुना करो, दिल का ख्याल रखा करो, जरूरी है। ठीक है, हाँ बेटा, इसके लिए अच्छा
अच्छा खाना खाया करो, दिल को खुश रखा करो, मैगी मत खाया करो, पास्ता खा लिया करो। ठीक है, अब आता है कार्डियक आउटपुट। अमाउंट ऑफ ब्लड पंप बाय हार्ट इन अ मिनट इज कॉल्ड एज कार्डियक आउटपुट। ये होता है हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कितना ब्लड वेंट्रिकल ने पंप किया एक कार्डियक साइकिल में, तो वो होता है 70 ml, और हार्ट रेट होता है हमारा 72, तो यानी 5 लीटर के करीब हमारा ये आ जाता है। ठीक है, यस मैम मैंने सुनना छोड़ दिया, बेटा लव फीलिंग्स वर्ल्ड, इतनी भाई बात नहीं सुननी होती ना। आप हर देखकर हैं, हर चीज को देख के अगर आप दिल की ही बात सुनेंगे तो फिर बेटा बहरे हो जाएंगे आप। मैम मार्किंग्स हटाकर नोट्स भेजना, मैं दोनों तरह के नोट्स भेज दूंगी। ठीक है चल, अब आते हैं नेक्स्ट पे, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। आखिर दिल को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, अगर हमने दिल को कंट्रोल करना नहीं सीखा तो विल बी इमोशनल फूल। एक जिंदगी में आपका एक ऐसा समय आएगा जब आपको अपने दिल को कठोर बनाना ही पड़ेगा। आइदर यू आर इन अ सिचुएशन विच इज वेरी अनकंफर्टेबल बट यू हैव टू लिव, स्पेशली गर्ल्स, क्योंकि गर्ल्स को तो दूसरे घर जाना होता है, अपने घर को छोड़ के दूसरे घर जाना, यू नीड टू बी वेरी स्ट्रांग, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू लिव। आपको बहुत चीज, मैं तो कहूंगी आपको बहुत चीजें इग्नोर करना सीखना चाहिए, आपको बहुत अपने दिल को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। यस आपकी लाइफ सॉर्टेड रहेगी जितना आप अपने दिल को कंट्रोल कर लोगे। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए वी हैव ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, एक सिंपथेटिक है, एक पैरासिम्पथेटिक। हल्की सी भी खुशी आती है तो उछल पड़ते, क्या सही में आज मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आए, तो ऐसे खुश खुश होने लगता है। क्यों? बिकॉज इमरजेंसी सिचुएशन है, मतलब कि इमरजेंसी नहीं, हैप्पी सिचुएशन है, यू आर एक्साइटेड, यू आर यू नो यू आर मोर एक्साइटेड, तो उसमें एपिनेफ्रिन निकलता है और ये आपके हार्ट रेट को इंक्रीज करा देता है, एंड यू विल बी लाइक हाँ पार्टी ले ले पार्टी ले ले। ठीक है, कोई भी खुश होता पार्टी देगा, हाँ ले 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 ले, उसी टाइम पे बंदा पकड़ लेता है उसको। तो ये चीज होती है पैरासिम्पथेटिक, अपन रिलैक्स्ड है। ठीक है, उसमें वेगस नर्व काम कर रही है, एसिटाइल कोलीन निकलेगा जो आपके हार्ट रेट को कम करके रखेगा। क्या करेगा? कम करके रखेगा कि ये इसको कंट्रोल करके रखेगा, कोई नहीं क्या हो गया, टमटमानी इसको इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है तो क्या हो गया, मुझे तो नहीं मिला। लाइफ लाइफ ओके इट्स ओके, मुझे मिलता तो भी लाइक इट्स ओके, बड़ा मुझे मिल रहा है, आई एम नॉट टमटमानी। ठीक है बच्चों, चला जाओ कोरोनरी सर्कुलेशन। ये वो सर्कुलेशन है जो ब्लड को हार्ट के पास लेके जा रही है, क्योंकि हार्ट को भी क्या चाहिए, काम करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो इसका खुद का एक सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसे हम कोरोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। ठीक है, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रिया, लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा से कोरोनरी आर्टरी। तो ये आर्टरी सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेगी किसको, हार्ट की मसल्स को। ठीक है बच्चों, तो इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मैम साल बिहार सिलेबस नहीं हुआ, पता नहीं भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ, भगवान जाने जिंदगी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसके साथ हुआ कैसे हुआ, मुझे भी नहीं पता भाई, सर बता रही हूँ, हाँ मुझे भी नहीं पता क्या हुआ किसके साथ हुआ कैसे हुआ। चलो आ जाओ, अब आते इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन का नाम है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ये वो ग्राफ है जो आपको सामने दिख रहा है, ये हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को दर्शाता है। आपको पता है आपके दिल में करंट बहता है, जब आप किसी को देखते हैं तो एकदम से करंट आ जाता है, काश। ठीक है, ये जो काश होता है ये करंट होता है, इसी एक्टिविटी को हम नोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पी क्यू आर एस टी, इस तरीके से हमने कॉम्प्लेक्स बनाया। जो पी वेव है ये तब आती है जब एट्रियल सिस्टोल हो रहा होता है। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल के लिए आदेश जाता है, जाओ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करो, तो जाओ यादेश है वो नोट हो जाएगा। क्यू आर एस, जाओ वेंट्रिकल्स अब तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, तो ये भी नोट हो जाएगा। टी वेव, जाओ अब तुम रिलैक्स करो, ऐसे तो कोई बोलता ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये हो जाता है। ओके बच्चों, अब आते हैं इसके डिसऑर्डर्स। नाउ लेट्स कम टू डिसऑर्डर। सबसे पहला हमारा डिसऑर्डर है एंजिना पेक्टोरिस, एक्यूट चेस्ट पेन। ये अक्सर तब आता है जब मम्मी को पता लगता है कि उसके बेटे ने अपनी मन पसंद की लड़की ढूंढ लिया। मॉम इज लाइक, बचपन से तुझे पाला था, इस दिन के लिए बेटा मेरा दिल। यस, तो ये एक ये सिचुएशन हो सकती है, या आपने खाना ज्यादा खा लिया है, या गैस चढ़ रही है आपको। ठीक है, उस केस में भी हो सकता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस, हार्ट ब्लॉकेज। अब ब्लॉकेज हो सकते हैं कोलेस्ट्रॉल के कारण, कैल्शियम के कारण, ब्लड क्लॉट के कारण। अगर ब्लॉकेज हो जाएगी तो इसे हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। ठीक है, हार्ट फेलियर, दिल काम नहीं कर रहा है। ठीक है, इसलिए तुम इसे ब्रेकअप नहीं कर सकती,
ठीक है, हार्ट फेलियर, ऐसे दिखा रहे हैं कि हार्ट फेल कर रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना, अगले दिन बिल्कुल सही होएगा सब कुछ. हार्ट फेल्स टू मीट द बॉडी डिमांड्स, ठीक है. मायोकार्डियल इंफार्क्शन, दैट इज अ सडन डेथ ऑफ अ मसल. इसमें क्या होता है, मसल को ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है, मसल पहले नीली पड़ जाती है, उसके बाद सडन डेथ हो जाती है. तो ये स्टेजेस में होता है. अगर छोटा पार्ट डेड हुआ है तो फर्स्ट हार्ट अटैक, ज्यादा हुआ तो सेकेंड, उससे ज्यादा हुआ तो थर्ड हार्ट अटैक. फिर आते हैं नेक्स्ट, कार्डियक अरेस्ट, मोक्ष प्राप्ति. हार्ट काम करना बंद कर देता, कहते हैं कि कितना सुनूं मैं इसकी, मैं कितनी सुनूं, हर की तो सुन सुन के मैं थक गया हूं, अब मैं मोक्ष प्राप्ति पे जा रहा हूं, ठीक है, दैट इज कार्डियक अरेस्ट. हार्ट ब्लॉक, हार्ट ब्लॉक क्या है, जब सैन या एवी, मतलब ऐसे नोड या एवी नोड काम नहीं करते हैं तो उसको हम हार्ट ब्लॉक कहते हैं. तो इसमें हमें आर्टिफिशियल पेस मेकर या पेस सेटर लगाना पड़ता है, जैसे कि हम वापस से अपने हार्ट के रिदम को फॉलो कर सके, ठीक है. यस, हो गया भाई, चैप्टर कंप्लीट. इतनी एनर्जी लग जाती है एक चैप्टर में, यार ये सीरीज ज्यादा मेरे को भारी पड़ रही है, बहुत ही हाई ऑन एनर्जी होती है मेरे लिए. कोई रेडबुल भी नहीं भिजवा रहा है घर पे, पानी पीने दो, तो 2 मिनट. हाँ यस, हाँ लिख का पढ़ा दो बेटा, इतनी वीडियोस तो है, मैं नहीं लिख सकती, मेरे हाथ में जान नहीं है इतनी लिखने की. इलाज चल रहा है, मेरी फिजियोथेरेपी चल रही है, 20 दिन और चलेगी, अभी नहीं कर सकती ना, इतना लिख के पढ़ाती तो 1 घंटे में चैप्टर हो ही नहीं पाता, 2.5 घंटे लग जाते कम से कम. यस जी जी मैम, अच्छा जी जी एस्टोनी कक्कड़, मतलब मैम भी लगाना भूल गए तुम, बहुत पर्सनल हो रहे हो, चलेगा नहीं ये, बहुत पर्सनल हो रहे हो तुम. हाँ नहीं तो इतना नहीं चलेगा, जी जी एस्टोनी कक्कड़, ओ पेपर डिस्कशन किसी ने भेजा नहीं, गुजरात से आर्ट का पेपर, सुबह से वेट कर रही थी मैं. यस डन, कितना हो गया, 6:05 हो गए, बताओ कितनी देर में कंप्लीट करना है, अच्छे से करेंगे ऐसे नहीं. यस क्लास का टाइम बेटा मैं चेंज नहीं कर सकती, मुझे सब सबसे ज्यादा सूट ही ये टाइम कर रहा है, वरना फिर मैं इरेगुलर हो जाऊंगी, फिर तुम दुनिया में जा जाके लिखोगे जी जी मैम ने ने ने, जी जी मैम ने ने ने, ठीक है भाई, मेरे को ये सूट कर रहा है, आ जाया करो क्लास में, मेरे को अच्छा लग रहा है टाइम, पता नहीं क्यों मैं नहीं कर रही चेंज, हट बाद में देख लेना रिकॉर्डेड, मैं नहीं कर रही, बहुत सुनती हूँ मैं तुम्हारी, मैंने अपने दिल की सुननी बंद कर दी आजकल, धोखा मिला मुझे धोखा, बस जब जब मैंने दिल की सुनी है. चलो आ जाओ भाई, बहुत हो गया मेलो ड्रामा आज, ठीक है चलो आ जाओ भाई, अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हुए, दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन. दिस इज क्वाइट इजी चैप्टर, ये टफ चैप्टर नहीं है, ठीक है, आजकल सरप्राइजिंगली काफी प्यारा चैप्टर हो गया नीट का, 2-3 दिन क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, ध्वनि उठ गई है, गुंडागर्दी शुरू हो गई है, यस अब चिल्लाएगी ऐसे करके, चलो चिल्लाने में घूरे बाहर आएगी तो देख लूंगी पूरा गुस्से में अभी, चलो आ जाओ, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, नाउ दिस इज आवर सेकंड चैप्टर फॉर टुडे. तो आ जाओ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, सबसे पहले हम एक्सक्रीशन को समझते हैं कि एक्सक्रीशन क्या है. एक्सक्रीशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव कर रहे हैं. सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बॉडी से वेस्ट को निकालने के 2 तरीके हैं, एक पॉटी, ठीक है, और एक है यूरिन, ठीक है. पॉटी एनस से बाहर आता है, उसे डिफिकेशन कहते हैं, और यूरिन के माध्यम से नाइट्रोजन बाहर आता है, नाइट्रोजनस वेस्ट, जिसे हम एक्सक्रीशन कहते हैं. तो इसके लिए दोनों अलग अलग सिस्टम है, जो लोग आज भी सोच रहे हैं एक सिस्टम है वो बहुत गलत सोच रहे हैं, ठीक है. तो एक्सक्रीशन एक ऐसा प्रोसेस है वेयर आई एम ट्राइंग टू रिमूव द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. तो आई हैव, यू नो, वी हैव 3 main types ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक एंड यूरिकोटेलिक. अमोनोटेलिक की अगर बात करें तो इसमें अमीनो ग्रुप को, अमोनिया बेसिकली, चीफ नाइट्रोजन वेस्ट इज अमोनिया, बहुत ही टॉक्सिक होता है, पानी का रिक्वायरमेंट इसको सबसे ज्यादा होता है. वहीं अगर यूरियोटेलिक की बात करें तो यहाँ पे चीफ एक्सक्रीटरी वेस्ट इज यूरिया,
मीडियम अमाउंट ऑफ पानी चाहिए, मीडियम टॉक्सिसिटी होती है, ठीक है। यूरिक और टैलिक की अगर बात करें तो यूरिक एसिड इसका चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इसमें लीस्ट टॉक्सिन होता है और वाटर रिक्वायरमेंट भी इसका सबसे कम होता है। बट जहां से मेन क्वेश्चन आता है वो है इसके एग्जाम्पल्स, यूरिक और टैलिक के। यूरिक और टैलिक के चार एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने ऐसे दिए हैं जहां से मैक्सिमम नीट का क्वेश्चन बनता है। तो आ जाओ भाई, यूरिक और टैलिक के एग्जाम्पल बताओ। एव्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, अनलैंड स्नेल्स। ये जो चार मैंने चीजें लिखी है ना, सबसे ज्यादा नीट में यहीं से क्वेश्चन बनता है। ये हर बच्चे को बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन द एंटायर एनिमल किंगडम। आ जाओ, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निडेरिया। अगर इन सबकी बात करें, जो पहले तीन फाइलम है उसमें तो